कहते हैं गर्भावस्था में माँ को भगवत चिंतन और भगवती कथाएं जरूर सुननी चाहिए। आज इसी कड़ी में ध्रुव की कथा अपनी संतान को सुनाते हैं। इसके लिए माता एक शांत स्थान पर बैठ जाएं, एक ऐसा समय चुनें जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो और आपको इसको बीच में ना रोकना पड़े। आप दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर ले और अपनी संतान से कहे, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रेरक कथा सुनाती हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें सतयुग के उस समय लेकर चलती हूँ जहाँ प्रदेश के राजा उत्तानपाद रहते थे। उनकी दो रानियाँ थी, सुरुचि सुनीति। सुरुचि बहुत सुंदर थी और राजा को बहुत प्रिय भी थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम भी अपने पिता राजा उत्तानपाद का दुलारा था। राजमहल के बाहरी हिस्से में दूसरी रानी सुनीति रहती थी। उनका स्वभाव महापुरुषों जैसा था। वह धर्म मार्ग पर चलती, सभी के प्रति दया प्रेम करुणा का भाव रखती और ऐसा ही आचरण देख उनका पुत्र ध्रुव बड़ा हो रहा था। एक दिन सुबह का समय था। सुबह की लाली धीरे धीरे जाकर भगवान सूर्य का प्रकाश पूरे प्रदेश को प्रकाशित कर रहा था। सभी बच्चे घर के बाहर अपने मित्रों के साथ विभिन्न खेल खेल रहे थे। भीतर राज दरबार सजा हुआ था। राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। वे अपनी गोद में बैठे पुत्र उत्तम को दुलार रहे थे। उसी समय खेलते खेलते ध्रुव भी महल में प्रवेश करता है। पिता को देख उसका मन भी ललचाया। वह अपने पिता की गोद में बैठने, उनका प्यार पाने के लिए लालायित हो गया। वह भी अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ राजा के पैरों पर रखा ही था, वह बैठने का प्रयास कर ही रहा था। राजा भी अपने दूसरे पुत्र को दुलारते, उससे पूर्व ही सुरुचि रानी ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। रानी बड़े क्रोध से बोली, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो, तुम अभागे हो, तुम्हें पूरे जीवन पुण्य करने होंगे ताकि तुम अपना भाग्य बदल पाओ और मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य पाओ, तभी तुम पिता का प्रेम और दुलार पा सकते हो। राजा उत्तानपाद को थोड़ा बुरा लगा, पर वे अपनी प्रिय रानी के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे। ध्रुव नन्हा सा बालक अपनी सौतेली माँ की बातें ठीक से तो नहीं समझ पा रहा था, पर वह इतना समझ चुका था कि सबके सम्मुख उसका अपमान हो रहा है और उसमें उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे। इसीलिए रोता बिलखता माँ माँ पुकारता ध्रुव राजमहल के बाहर चला जाता है। पूजा कक्ष में बैठी रानी सुनीति अपने पुत्र की आवाज़ सुनकर कांप गई। वह बाहर भागते हुए गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मन ही मन किसी अप्रिय घटना का सोचकर उसका हृदय भर रहा था। वह धीरे से ध्रुव के दुख का कारण पूछती है, माँ पिताजी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, वे मुझे अपनी गोद में भी नहीं बिठाते, वे सिर्फ उत्तम को प्यार करते हैं माँ, ऐसा क्यों माँ, मैंने क्या नुकसान किया है उनका, क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ, मैं इतना बुरा हूँ। सुनीति ऐसा नहीं कहते बेटा, सुनीति सब समझती थी, फिर भी उस नन्हे से बालक को कैसे समझाती, क्या बताती कि क्यों उनके पिता ने उन्हें और ध्रुव को इस प्रकार का जीवन दिया है। सुनीति स्थिति को समझते हुए अपने बेटे को कहती है, मेरे बच्चे तुम्हारे लिए पिता से श्रेष्ठ गोद और उच्च सिंहासन सुरक्षित रखा गया है, तुम्हें संसार के सबसे बड़े राजा की गोद में बैठना है। इस तरह कहकर
अपने मंदिर में विराजित भगवान नारायण की तस्वीर दिखाती है। इनकी गोद, भगवान की गोद। ध्रुव की आंखों में चमक थी, पर वह अभी सिर्फ 6 साल का नन्हा बालक था। माँ से उत्सुक स्वर में पूछता है, माँ मैं उन तक कैसे पहुँचूँगा, कैसे मैं उनकी गोद में बैठूँगा माँ। माँ को भी आज जाने कहाँ से हिम्मत आ रही थी, वह ध्रुव की सभी बातों का स्पष्ट उत्तर दे रही थी। कहती है वह मार्ग श्रेष्ठ है, इसलिए उसे पाना भी थोड़ा मुश्किल है। पर ध्रुव को अब किसी बात का भय नहीं था, उसे तो बस उनकी गोद का इंतज़ार था। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ अब आप जल्दी बताओ वह मैं कैसे पा सकता हूँ। माँ ने ध्रुव को गोद में उठाकर कहती है, बेटा उसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी, एकांत में रहकर सिर्फ उनका नाम जपना होगा। बस फिर क्या था, ध्रुव तुरंत गोद से उतरा, अपनी माँ के चरण स्पर्श करके कहता है, माँ मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूँगा, मैं एकाग्रता से नाम जप कर नारायण की गोद में बैठूँगा। माँ मैं उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूँगा। माँ तू देखना तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली है, वह ब्रह्मांड के राजा की गोद में बैठेगा। माँ कुछ समझ पाती इससे पहले ध्रुव जंगल की ओर जाने लगा। माँ एकदम बिलख पड़ी, भागते हुए ध्रुव के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। जिस नन्हे से बच्चे ने राजमहल के बाहर आज तक कदम भी नहीं रखा था, वह जंगल अकेला कैसे जिएगा? क्या यह भी कोई उम्र है उसके जंगल जाने की? रानी फूट फूट कर रोने लगी। ध्रुव नहीं रुका, अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ नारायण को पाना आसान नहीं है, तपस्या तो करनी होगी, तेरा बेटा करेगा माँ, वह भी सौभाग्यशाली बनेगा। माँ रोए जा रही थी, वह आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांझ होने लगी, रात अंधेरी छा रही थी। उसका मन भी डर रहा था, मन कर रहा था फिर से अपनी माँ के आंचल में चला जाए, उसकी गर्माहट में रोते रोते सो जाए। पर तुरंत उसे अपनी सौतेली माँ के कहे शब्द याद आ रहे थे, इसलिए वह दुगनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पूर्व ही कुछ स्वर सुनाई दिए, नारायण नारायण। देवऋषि नारद भगवान की इच्छा के अनुरूप ही नन्हे ध्रुव का मार्गदर्शन करने आए थे। वे बालक के दर्द को समझ रहे थे, साथ ही उसका भविष्य भी जानते थे, इसीलिए उसे उचित स्थान और भगवान का मंत्र सिखा दिया। फिर क्या था, रात के अंधेरे में झुंझुनू की आवाज के साथ ध्रुव के मंत्र के स्वर भी जंगल में गूंजने लगे। धीरे धीरे ध्रुव अपनी तपस्या में लीन होने लगा। इधर राज दरबार में यह बात आग की तरह फैल गई। हर किसी ने दबी आवाज से राजा उत्तानपाद और सुरुचि की निंदा की। राजा उत्तानपाद की भी आंखें अब खुल गई थी, उन्हें अपने मासूम से बेटे का चेहरा ही नजर आ रहा था। उसका रोता हुआ चेहरा देखकर वे भी अंदर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में वे कैसा भयंकर पाप कर बैठे हैं। इधर सुनीति का रो रो कर बुरा हाल था, उसका आखिर राजमहल में अपने पुत्र के अलावा और था ही कौन। वह उसे बार बार याद कर बस रोती जा रही थी। राजा भी अब अपनी गलती को मानकर ध्रुव को मनाने के लिए जंगल की ओर निकल रहे थे, पर तभी उन्हें पुनः नारद जी मिल गए, जिन्होंने राजा को रोक दिया, आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, वह तेजस्वी बालक सचमुच नारायण की गोद में विराजेगा, आपके और आपके राज्य की कीर्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाएगा, उसका जन्म इसी हेतु हुआ है, इसलिए हे राजन आप शक ना करें बल्कि निश्चिंत रहें, वह जल्द ही आप सभी के पास लौट आएगा। इधर ध्रुव अपनी तपस्या में लीन था, जंगली जानवरों की आवाज़, उनके सताने का भय आसपास हमेशा बना रहता। कभी बंदरी के समीप उसके बच्चे को लिपटा देखता तो उसका मन भी भर आता, पर वह किसी भी कीमत पर लौट जाना नहीं चाहता था। 6 साल के बच्चे का ऐसा दृढ़ निश्चय कि अनेक प्रलोभन अनेक भय दिखाने पर भी वह नारायण जब से अलग नहीं हुआ,
छह महीने से अकेला नन्हा बालक तपस्या कर रहा था और उसकी चाह भी थी तो क्या, बस एक बार नारायण की गोद में बैठना है। इसे देखकर भगवान भी अधिक समय तक उससे दूर नहीं रह पाए। वे ध्रुव के समीप पहुंचकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हैं। ध्रुव अपनी आंखें खोलता है, उसे विश्वास नहीं होता कि उसके सम्मुख कौन खड़ा है, चतुर्भुज रूप में नारायण। वह बार बार आंखें बंद करता, खोलता, खुद को चिमटी काटता। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है उसके साथ। भगवान उसकी मासूमियत को देखकर मुस्कुराते हैं, उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। मानो अब तो धरती, आकाश सब फूल बरसा रहे हो, जंगल की प्रत्येक कली फूल बनकर उस पर गिर जाना चाहती हो, प्रकृति खुशी से घूमना चाहती हो, सारे पक्षी खुशी से गाने लगे हो, हवाएं मधुर स्वर में वाद्य यंत्र बजा रही हो, पूरे वातावरण में एक अद्भुत सा आनंद छा गया। ध्रुव की आंखें खुशी से टिमटिमाने लगी। वह धीरे से प्रभु से कहता है, प्रभु अब कोई मुझे और मेरी माँ को अभागा नहीं कहेगा ना। भगवान ने अपने दोनों हाथ कसकर ध्रुव को समेट लिया। नहीं बेटा, तुम ब्रह्मांड में वह स्थान पाओगे जिसके आगे देवी देवता सप्तऋषि भी परिक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी कीर्ति अनंत जन्मों तक फैली रहेगी। हर मनुष्य तुम जैसी संतान की प्राप्ति करना चाहेगा। तुम और तुम्हारी माँ श्रेष्ठ गति को पाओगे। ध्रुव अपने हाथ जोड़ प्रभु को नमन करता है। आज की कथा को यहीं समाप्त करती हूँ। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।